नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं स्पार्क न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहें। पेंशन धारकों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। सरकार ने शुरू की पेंशन से जुड़ी 5 नई सर्विसेज। अगर आप पेंशन पाते हैं तो ये खुशखबरी आपके लिए है। अब नहीं लगाने होंगे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑफिस के चक्कर। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट किसी भी पेंशनर के लिए आज सबसे बड़ी ज़रूरत है और इसका वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको ऑफिसेज के चक्कर काटने पड़ते हैं, मगर अब आपको बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने जाने के बाद इसे पेंशन बांटने वाली एजेंसी के पास जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बता दें कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने जाने के बाद ही पेंशनर को पेंशन का फ़ायदा मिलता है। अब आप अपने सर्टिफिकेट को बायोमेट्रिक्स से वेरीफाई कर सकते हैं। उमंग ऐप के अलावा ईपीएफओ ऑफिस, पेंशन बांटने वाले बैंक, सीएससी यानी कॉमन सर्विसेज सेंटर, आईपीपीबी, पोस्ट ऑफिसेज या फिर पोस्टमैन के सामने वेरीफाई या ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। बता दें कि ऑथेंटिफिकेशन के बाद पेंशन पाने वाले की पेंशन रुकती नहीं। श्रम मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अब घर बैठे ही हो जाएगा आपके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का ऑथेंटिफिकेशन। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने और इसे जमा करवाने से आने वाली समस्याओं को रोकने के लिए ईपीएफओ ने कई सहूलियतें दी है। अब आप घर बैठे ही उमंग ऐप की मदद से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। उमंग ऐप से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके पास होना चाहिए आपके 12 अंकों का आधार नंबर और आधार कार्ड से लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। साथ ही पेंशन जारी करने वाली संस्था के पास भी आपका आधार कार्ड से लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। एक बायोमेट्रिक्स डिवाइस जो आपकी उंगलियों के निशान को कैप्चर कर सके, Windows 7.0 अपग्रेडेड कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर 4.0 अपग्रेडेड मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। उमंग ऐप में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फॉलो करें नीचे दिए गए स्टेप्स। पहला, गूगल प्ले स्टोर से उमंग ऐप डाउनलोड करें। दूसरा, ऐप खुलने पर लाइफ सर्टिफिकेट रिसर्च करें। तीसरा, इसके बाद अपने मोबाइल से बायोमेट्रिक्स डिवाइस को कनेक्ट करें। चौथा, लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस ऑप्शन में जाकर जनरल लाइफ सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। पाँचवा, यहाँ पेंशन ऑथेंटिफिकेशन टैब में आपका आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखेगा। छठा, अगर ये दोनों ऑप्शन सही हैं तो जनरेटर ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें। सातवां, आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे भरकर सबमिट करें। आठवां, आप अपने बायोमेट्रिक्स डिवाइस से अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करें। नौवां, आपका फिंगरप्रिंट मैच होते ही आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। और दसवां, सर्टिफिकेट देखने के लिए व्यू सर्टिफिकेट पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर डालें। अब आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा और इस तरह अब आप घर बैठे ही अपनी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। स्पार्क न्यूज़ के लिए जयंती झा की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे कि हमारी सभी वीडियोज़ आपको तुरंत मिलती रहें।